हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेमेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th Century स्टूडियो एंड यूरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टी, मैगी क्रिक्स नजर आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th Century फॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मूवी की हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेमेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th Century स्टूडियो एंड यूरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टी, मैगी क्रिक्स नजर आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटर
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिसे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बोमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टीन, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप M6। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिसे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बोमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टीन, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप M6 फिल्म्स।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड यूरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमडीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लियस बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बोमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टी, मैगी क्रिक्स नजर आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th सेंचुरी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड यूरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमडीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लियस बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बोमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टी, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th सेंचुरियन।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th Century स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिससे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टी, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th Century स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टी, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स ब्लेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमडीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टीन, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, टीजी इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th सेंचुरियन फॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स ब्लेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमडीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टीन, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, टीजी इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th सेंचुरियन फॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मूवी की अलग
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेस्टी, मैगी क्रिक्स नजर आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th सेंचुरियन फॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मूवी की अलग अलग देश में अलग टाइम रिलीजिंग डेट थी 16। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेस्टी, मैगी क्रिक्स नजर आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे रिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th सेंचुरियन फॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मूवी की अलग अलग देश में अलग टाइम
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डायजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे विलियम मेंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेस्टी, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे इरिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरोपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में एंड 20th सेंचुरियन फॉक्स ने। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डायजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे विलियम मेंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेस्टी, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे इरिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, टीजी
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड यूरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमडीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मिंगस्टोन एंड रिटेन किए थे लिज बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस और मूवी के लीड रोल में हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड यूरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिसे आईएमडीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और ये टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एंग्ली
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th Century स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिससे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th Century स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिससे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स विलेंस, जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नजर
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेमेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स, हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2000।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी टेकन 3 को। इस मूवी से जुड़े आपके साथ रिव्यू एंड फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। टेकन 3 जो कि 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लेंथ है 1 घंटा 49 मिनट, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलब्रिन मॉन्स्टोन, एंड मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 जनवरी 2015 इंडिया में। जैसे बात की जाए तो सिनेटोग्राफी दिए थे इरिन क्लेयर्स, एंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को 20th सेंचुरियन स्टूडियो एंड इरोपा क्रोप ने। एंड मूवी में दिखाया गया है कि ब्रायन मिल्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप लगता है जो उससे नहीं पता है कि वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करता है और सच जानने के लिए फरार हो जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर फ्रैक्ट डैजल जो उसे पकड़ना चाहता है। इस मूवी की और भी बात की जाए तो कास्टिंग में हमें नज़र आए तो मूवी में लियम निसोन नज़र आए थे, मैगी ग्रेक्स, फीमैक जॉनसन एंड प्रोर्स ब्लेंस जैसे कई स्टार कास्ट इस मूवी में नज़र आए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, जिससे आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 पॉइंट की रेटिंग मिली थी, एंड रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 13% की, जिससे गूगल यूजर ने 80% मूवी को लाइक किए थे। यानी कि ऑडियंस ने इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे, और टेकन सीरीज की तीसरी मूवी थी। टेकन जो कि 2014 में रिलीज हुई एक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे ऑलियम मेंगस्टोन, रिटेन किए थे लियस बेस्ट एंड रॉबर्ट मार्क केलेम्स, एंड मूवी को प्रोडक्शन किए थे लूस बॉमेंस, और मूवी के लीड रोल में लियम निसोन, फ्रिट्स एवेटस्टी, मैगी क्रिक्स नज़र आए थे, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे इरिपा क्रोप, M6 फिल्म्स, TG इंटरटेनमेंट। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इरिपा क्रोप, डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में, एंड 20th सेंचुरियन फॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मूवी की अलग अलग देश में अलग टाइम रिलीजिंग डेट थी। 16 दिसंबर 2014 जर्मनी में रिलीज किया गया था, 9 जनवरी 2015 यूनाइटेड स्टेट में, एंड 21 जनवरी 2015 फ्रांस में रिलीज किया गया था।
मूवी की रनिंग टाइम थी 109 मिनट, और कंट्री थी फ्रांस, लैंग्वेज थी इंग्लिश रशियन, और मूवी की बजट थी 48 मिलियन। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 326 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी।